सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का ब्लॉग सीधा मोटर ब्लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज कहाँ जा रहे हैं। कहीं पे जाने का प्लान था आज संडे बोल के, कुछ मतलब ऐसे ही प्लान था थोड़ा, तो पता नहीं था सुबह तक कि कहाँ पर जाएगा। लेकिन ये हम लोग का मतलब घर का उधर रहता एक फ्रेंड है, वो बोला बहुत दो तीन दिन पहले से बोल के रखा था कि वो लोग जाएगा। तो चलो आज कैसा होता है, मौसम क्या होता है पता नहीं, लेकिन जाते हैं, जो दिखा सकते हैं दिखाएगा और क्या। यार गाइस, आज संडे का दिन भी इतना जाम की हुआ, पता नहीं हाईवे में भी इतना जाम है यार, हर जगह काम चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है ऐसा जाम। मतलब मालेगांव में भी नहीं लगता है, शायद सुबह निकलना चाहिए था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। मतलब प्लान कहीं और का था और जा रहा है कहीं और, तो वही है सीन। क्या बोलते हैं, आप लोग को पता चल गया होगा कि थोड़ा चेंज हुआ है ब्लॉक में, क्या चेंज हुआ है वो थोड़ा आगे जाके बता रहा हूँ। अभी यार गाइस जाम देखो यार कितना है आज, यार जा पाएगा कि नहीं पाएगा ठीक नहीं। यार वो अंदर वाला रास्ता से जाना चाहिए था यार, मैं गलती कर दिया। लाइफ के साथ ऐसे ही होता है यार, जो नहीं करना चाहिए वो खो जाता है, जो करना चाहिए वो कभी होता ही नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश ऐसे ही स्टार्ट हो गया, मेरा पास तो रेनकोट है लेकिन ये लोग के पास रेनकोट भी नहीं है यार, मैं अकेले रेनकोट पहन के जा भी तो नहीं सकता, ये लोग के लिए रुकना पड़ेगा यार। सीन पूरा उल्टा हो रहा है आज, समझे यार। आगे चल आगे, हाँ हाँ ले ले, 200-300 में मिलता है ना वहाँ। तो वही सीन है गाइस, कहीं जाने से पहले हम लोग का तेल भराना पड़ता है, तो वहाँ के इधर में तेल भरा लिया और बारिश भी दे रहे है, कैसे जाएगा। ये लोग का तो रेनकोट नहीं है, हम तो रेनकोट लाया भाई। देखना पड़ेगा कैसे जाएगा ये लोग, तो क्या करेगा, जाएगा ना रुकेगा। तेल भरा लिया और तेल भरा के मैं अपना रेनकोट भी पहन लिया क्योंकि बहुत जोर से दे रहा है यहाँ पे, तो वो लोग का तो रेनकोट है नहीं, आगे किसी दुकान पे ढूंढना पड़ेगा, रेनकोट मिलता है तो ले लेगा वो लोग बोला है, लेकिन अभी मेरा पास है तो मैं पहन लिया और आगे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत जोर से दे रहा है यहाँ पे बारिश, तो कोई इशू नहीं, चलते। पहन नहीं पहना बस ऊपर का वो पहन लिया, अभी आगे तक इधर तक बहुत जोर से दे रहे हैं भाई, कसम से यार अभी तेरा गोप्रो भी निकलना पड़ेगा भाई। अरे भाई यार कहाँ भाग गया ये लोग, गाड़ी रख के भाग गया। अभी मुझे भी यहाँ पे पैंट पहनना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा जोर से दे रहे हैं, सब कुछ निकलना पड़ेगा। तो गाइस ऐसा सीन है कि हम लोग आ रहा था रास्ते में, बारिश दे दिया और ये लोग हैं रेनकोट लेके नहीं आया, और अभी रेनकोट ढूंढ रही है दुकान में, अभी भैया लाने गया है रेनकोट, पता नहीं देखते क्या रेनकोट लाता है ये लड़का ये। तो गाइस ये देखो ये लोग रेनकोट नहीं पीपी किट खरीद लिया यहाँ पे, रेनकोट नहीं सबके सब पीपी किट पहन लिया। अभी थोड़ा बहुत बारिश भी रुक गया है, वो हम लोग का गाड़ी उधर पे रुका है, और इधर ये सीन देखो गाइस क्या लग रहा है भाई, और ये लोग भी रेडी है पीपी किट पहन के, अभी कोरोना का टेस्ट होगा उधर में। नहीं आप टेस्ट करा के आया दिल्ली से। तो गाइस लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं नहीं बताया था कि पास कहाँ से लेना है वहाँ पे, मतलब क्या क्या वो होता है, तो आज मैं बताने वाला हूँ। मतलब कोई कोई मुझे पूछ रहा था कि कैसे जाएगा, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं लास्ट टाइम इतना अच्छे से नहीं बोला था, तो आज बताऊँगा। ये जो है टोल गेट, तो ऐसा है कि टोल गेट पार करने का थोड़ा दूर बाद ही आ जाता है आपका वो पास बनाने का वो। और मैं आज का वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बोला था कि आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है, क्या अलग है पता चला आप लोगों को कि हाँ पहले मैं असमी में ब्लॉग करता था और अभी मैं हिंदी में करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आते है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आते, ये मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे शायद रुकना पड़ेगा, रुक के मतलब यहाँ पे पास बनाना पड़ेगा, पास बना के जाना पड़ेगा।
वो कोई तो गाइस हो गया, कुछ इशू नहीं है, फिर सिर्फ गाड़ी का नंबर लिया और पास दे दिया बस। आज तो इतना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पहले आधार कार्ड दे के वो सब करना पड़ा, लेकिन आज कुछ नहीं है, सीधा बस गाड़ी नंबर दे के चलते बनो। ये लोग तो बिना पास का भी आ गया, ये लोग तो भी बिना पास का आ गया, पता नहीं यार क्या सीधे पास चाहिए कि नहीं चाहिए। ये लोग तो बिना पास का जा रहे हैं, लेकिन गाइस ये मोई डांगर वाले थार होम योन ये दिख रहा था भाई हर जगह पे, यही दिख रहा था भाई हर जगह पे। ओ सर अरे वो खबर की अलग बात, ये कौन मिल गया देखो। अरे भाई भाई डेड, कौन रोकी वो, आज मतलब शिलोंग आना पैसा वसूल हो गया। अरे ऐसे रुक कोई है भाई কি খবর কোট শিলংপুরি হয়ে আছে নাকি কে ইদিন আইকেনে ঘুরি গেল আছে কি ইদিন আইকেনে বাকি হাল। তো গাইস আমলোক যাই রাহা থা নংপু পৌঁছনে ওয়ালা থা পর উससे पहले ये बेतल डायलॉग मिल गया हम लोग को रास्ते में, तो वो लोग भी जा रहे लाइक में लेट हो गया था, तो इसलिए कुछ बात बात नहीं किया, ऐसे ही एक दो फोटो खींचा और बोला मिलते हैं उधर ही। वो लोग भी लाइट लूम जा रहा था तो हम लोग भी लाइट लूम ही जा रहे हैं, तो देखते हैं उधर मिलने से बात बात करेगा। अभी बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत लेट हो गया यार, मैं पहले ही बोला था बारिश की वजह से लेट हुआ, जाम की वजह से लेट हुआ, मतलब लेट ही लेट हो गया यार। वो उसका क्या बोल रहे भाई क्या ये उनका विचार लिखा हुआ था ना, मैं बड़ा बन के थार बनूंगा, वही देख के मैं पहचान गया कि हाँ यार ये तो कहीं कहीं देखा जाना पहचाना लग रहा है भाई। वही मैं बोला थोड़ा रुक जाओ यार भाई, इसलिए थोड़ा साइड में रुका ये भाई नंबर वन है यार, वो अच्छा लड़का है यार। ये गाइस इधर कुछ हो गया है यार, पूरा एक्सीडेंट हो गया शायद। আপনার লোক নাকি আরে কিবা হয়েছে কারোবার, গাইস यार ये कर वाला है अपना फैमिली के साथ आया था यार, पता नहीं कैसा होगा, मैं जाके पूछा यार किसी को कुछ हुआ कि नहीं, किसी को तो कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो चला रहा था वो उनका मतलब थोड़ा हाथ में लगा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पूछा नहीं ज़्यादा, वो लोग बहुत टेंशन में था और हम जाके पूछेगा कैसे हुआ क्या हुआ सब देखने से ना यार खराब लगता है यार। गाड़ी ना थोड़ा अच्छा से चलाना चाहिए, इतना स्पीड नहीं चलाना चाहिए यार। বলা বলা এই পিছত লাইট ল'বলৈ যাওঁতে ঘৰত যাওঁতে দেৰি হ'ব, ৰাতিপুৱা ওলাব লাগিছিল। তো গাইছ এই পিংকু হাম লোকে ইধাৰ চুচু কৰে, একবাৰ ফেচ দিখা দে আপনা ৰাস্তা মে চুচু কৰে তো ইচ্ছা শিখো ভাই। তো গাইছ মে অভি ইয়ে পিংকু কা পালসাৰ চলা ৰহা হে, ना पिकअप तो नहीं है,
लेकिन नया गाड़ी है ना, नया गाड़ी चला गया भाई, फील कुछ अलग ही आता है। दिक्कत तो नहीं है भाई, पूरा रेस जरूर से भी नहीं आता है भाई। यहाँ का यही सीन है, ट्रक सबके लिए बहुत ट्रिक्सी हो जाता है यार। आप लोग आने से अच्छे से आना यार, मतलब बहुत सीन हो जाता है यार। बाइक हो या कार हो, आप लोग अच्छे से आना भाई। सो गाइस, हम लोग पहुंच गया उमियम लेक, और यहाँ पे भीड़ देखिए गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है। नहीं रुकेंगे इधर, चलो। तो ये उमियम लेक पहुंच गया, अभी देखते हैं। अभी तो बहुत टाइम हो गया, 3 बज के पार हो गया, मतलब 3:20 ऐसा हो गया। तो वापस घर भी जाना है, बहुत लेट हो गया आने में, बहुत लेट हो गया, इसलिए जयपुर दूर तक नहीं गएगा। ऐसा संडे राइड बोल के वो लोग भी घूमना चाहता था, तो इधर ही आ गया। थोड़ा तो देखते हैं आगे कितना तक जा सकते हैं, थोड़ा दूर तक जाएगा और सीधा घर के लिए निकलेंगे। सो गाइस, हम लोग पहुँचने वाले हैं पुलिस बाजार, तो सोचा है कि लास्ट पुलिस बाजार में जाएगा और आई लव शिलोंग पे फोटो खिंचवा के घर आ जाएगा। यही सीन है भाई। सो गाइस, हम लोग घर से निकलने टाइम जैसा जाम था, अभी शिलोंग पुलिस बाजार पहुँचते वही सेम जाम है भाई। और हम लोग पहुँच गया शिलोंग पुलिस बाजार। तो गाइस, ये रहा पुलिस बाजार और ये रहा, ये रहा आई लव शिलोंग। तो भैया से पूछता है, भैया गाड़ी कहाँ रखना पड़ेगा, पार्किंग नीचे ये वाला? ठीक, और चलो इधर। तो गाइस, हम लोग शिलोंग पुलिस बाजार पहुंच गया, ये रहा पुलिस बाजार, और यहाँ पे गाड़ी हम लोग पार्क कर दिया और थोड़ा आगे जाके घूमता है, घूम के फिर मिलता है। पता नहीं गाइस यहाँ पे क्या सीन है, वो लाठी वाठी मार रहे हैं भाई, क्या सीन है। तो गाइस, हम लोग अंदर गया था कुछ खाने के लिए चोर बाजार का अंदर, लेकिन यहाँ का लोकल कुछ मतलब खांसी मुँह भी लगा है, तो इतना भीड़ था ना गाइस, तो घूम के आना पड़ा। कुछ खा के घूम के आया, अभी गाड़ी यहाँ पे रखा था, तो गाड़ी लेते हैं और सीधा घर तक जाते हैं। सो गाइस, हम लोग अभी इधर से निकल रहे हैं घर के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और कुछ गलती हुआ तो कॉमेंट में बता देना। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।